प्रेस में आपका स्वागत है। आज हम बालकेश्वर के एक बैंकेट हॉल है जिसमें हम आए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ी हस्ती आई हुई है। फैशन शो यहाँ पे बहुत अच्छा और लाजवाब रहा, फर्स्ट टाइम किया गया था। जिनको क्या कहते हैं सारा क्रेडिट जाता है वो है यहाँ पे सना मैम और तारिक खत्री साहब। हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है बॉम्बे प्रेस में। क्या कहेंगे आज शो जो इतना सक्सेस हुआ है? आई थिंक इस शो में बहुत ही अच्छी खूबियाँ ये थी कि हर एक तरह के ड्रेसेस थे, वेस्टर्न स्टाइल थे, इंडियन स्टाइल थे, अबाया भी था, प्लस हर एक तरह की लेडीज़ थी, मिडिल एज थी, यंग थी, यू नो सांवली थी, गोरी थी, थोड़ी सी हल्की मोटी थी करके। लेकिन आई थिंक ये देख के कितना अच्छा लगता कि हर एक जन को एनकरेजमेंट दिया जाता है, बिकॉज अगर हम ही जज करेंगे एक दूसरे को ये ऐसी है ये ऐसी है, बट अगर हम मिलकर ऐसे करेंगे तो किसकी हिम्मत है कि हमारी यू नो लेडीज़ लोग के ऊपर कोई कमेंट कर सके। आई थिंक दिस इज़ वेरी नाइस कि सब हिल मिल के एक ही प्लेटफॉर्म पर खुशी खुशी ये शो के, एंड आई थिंक ये सबसे बड़ी बात है। आप फर्स्ट टाइम आए हैं, इसके पहले भी आप आ चुके हैं? फर्स्ट टाइम। कैसा लगा ये शो देख के? दैट्स आई सेड कि आई थिंक ये बहुत ही अच्छी ग्रुप एफर्ट है, मेहनत है जिसमें लोगों की, कि यू नो कहीं ना कहीं ये दिख रहा है कि एवरीबडी अगर मिल के जुल के अच्छे से काम करना चाहे तो ऐसे कितने अच्छे काम हो सकते हैं। तो ये तो सिर्फ शुरुआत है। क्या यहाँ पर पहली बार आए हैं? बाकी बहुत से फैशन शो के जजेस रह चुके हैं, ये इनका काम है, मेकअप आर्टिस्ट है ये, जैसे ऐश्वर्या राय, शिल्पा शेट्टी, करीना कपूर के बहुत सारों के मेकअप करते हैं, सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट बोलते हैं इनको। पिक्चर देखा था? बहुत अच्छी पिक्चर। नहीं देखा, पिक्चर देख लेना जाके शाम को। सुपर डुपर हिट था, एमी जैक्सन, विक्रम और हमें उसमें, तो इट्स वेरी नाइस, पर बहुत ही प्यार मिला वो पिक्चर के। अब इनकी पिक्चर देखिए, बहुत सॉलिड पिक्चर है, और ये इनका नाम है ओजस, इज अ वेरी नाइस एंड नाइस ब्यूटीफुल। थैंक यू मैन, फॉलो मी इन इंस्टाग्राम, ओजस रजानी मेरा हैंडल है, ओजस रजानी, OJASRAJANI। शुक्रिया, गॉड ब्लेस यू। एक शख्स और मौजूद है, क्या नाम है आपका? हेलो, माय नेम इज वैशाली पाटिल। आज आपका ब्रांड का नाम क्या था? आज मैंने एक्चुअली 3 ब्रांड्स के लिए वॉक किया था। अच्छा। तो AM लिबास, फिर यूनुस कलेक्शन और एक SZ अबाया, तो ये 3 कलेक्शंस के लिए मैंने वॉक किया आज। किस तरीके की आज आपको खुशी हुई इस कैट वॉक पे? एक्चुअली काफ़ी कल्चर्ड प्रोग्राम है और ट्रेडिशनल आउटफिट्स है, तो वो एक इंडियन वाली फीलिंग है, तो मुझे वो काफ़ी अच्छा लगा कि इस तरह के कल्चर्ड प्रोग्राम्स मुझे काफ़ी पसंद है और जो ट्रेडिशनल इन नेचर है, सो दैट्स समथिंग आई पर्सनली लाइक एंड प्रेफर। पहले भी आप कर चुके हो इस तरीके का प्रोग्राम? जी मैंने एक किया था, वो एक राजस्थानी फोकलोर पे था, और ये भी एक अलग कंसेप्ट है, तो मुझे इस तरीके के कंसेप्ट पसंद है जो अपने इंडियन कल्चर को प्रमोट करते हैं। क्या लोगों को संदेश देना चाहेंगे? मैं कहना चाहूँगी कि इस तरीके के शोज और एग्जिबिशंस अटेंड करने चाहिए जिसमें हमारे जो इंडियन डिज़ाइनर्स हैं उनको प्रमोट करना चाहिए, जो स्मॉल स्केल से आगे बढ़ना चाहते हैं और अपना बिजनेस बढ़ाना चाहते हैं, तो ये अच्छा प्लेटफॉर्म है डिज़ाइनर्स के लिए भी और हमारे मॉडल्स के लिए भी। तो बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। हमारे साथ एक मैम और हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज क्या ब्रांड था आपका? मेरा था अलीज़ा द फैशन वार्डरोब, और जैसे शायरी चलाती हैं और उनका ही है, और मैं उनकी शो स्टॉपर भी थी, एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू ग्रेस एंड एवरीवन टू हैविंग मी हियर। कैसा आज का रहा आपका शो? बहुत ही ब्रिलियंट रहा, बहुत ज़्यादा अच्छा था, और मैं बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा फोटोग्राफ्स वगैरह में, और शो स्टॉपर थी मैं, तो अदरवाइज अच्छा ही था ओवरऑल। फर्स्ट टाइम ये रखा गया था फैशन शो, कितनी खुशी हुई आपको? बहुत अच्छा लगा मुझे, जब ऐसा लगता है कि अगर लोग के अंदर कुछ चीज़ का इंटरेस्ट है और अगर वो लोग वो चीज़ कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए जिस चीज़ में हमें इंटरेस्ट है, और अगर हम केपेबल हैं वो करने के तो हमें करना चाहिए वो चीज़। आगे की क्या तैयारी आप? मेरा तो बहुत कुछ चलता है, आप लोग जानते होंगे, कुछ लोग नहीं जानते होंगे तो बता देती हूँ, इन्फ्लुएंसर हूँ, यूट्यूबर हूँ, सब कुछ हूँ। पूरा नाम बता दीजिए। तमकीन खान, सर्च करेंगे एक ही तमकीन खान आती है और कोई नहीं आता। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। इस ग्रेस नेटवर्क फैशन शो में अर्शी खान एज अ चीफ गेस्ट इनवाइट हुई है, मैम आपका क्या कहना है इस फैशन शो को लेकर? मैं बहुत, मुझे बहुत मजा आया, मैं तो बोल रही थी मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे मैं मोहम्मद अली रोड पर हूँ, एंड यू नो वहाँ पर सब यू नो अबाया बुरखा मुझे बड़ा पसंद है, हमारी फैमिली भी बड़ी ट्रेडिशनल है, मुसलमान फैमिली है, पठान है हम। अच्छा। तो वहाँ पर भी बड़े बुरखे में हमारी भाभियाँ रहती हैं, तो मुझे देख कर थोड़ा सा लगा अरे मैं उसी माहौल में आ गई अभी फिर से, तो फिर मुझे बहुत मज़ा आया। एंड सेकंड चीज़ वो जो अभी मैंने इतना अच्छा कलेक्शन देखा, मैं हमेशा से ट्रेडिशनल ड्रेसेस ज़्यादा पहनती थी बिग बॉस में भी, सो आई लव दिस।
तो मैम आपका जो फैशन शो को लेके बात हुई, आपके बारे में हम बात करते हैं, जैसे कि आपके अभी करियर को लेके आपने भी बिग बॉस किया है, आपका आगे का फ्यूचर प्लान क्या है मैम? मैं अपनी लाइफ में कभी फ्यूचर प्लान नहीं रखती, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि फ्यूचर प्लान जब भी मैं रखूँगी वो सक्सेस होगा, बिकॉज मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मैं बिग बॉस में जाऊँगी, इतने शोज़ करूँगी कलर्स के लिए, या फिर इतनी अपीयरेंस करूँगी, इतने इवेंट्स करूँगी, इतने ब्यूटी पेजेंट्स जीतूँगी, मुझे नहीं पता था, वो खुद हो गया। आई डोंट केयर, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मैं हमेशा से ये मानती हूँ कि रिस्क देने वाला अल्लाह है, मैं किसी बंदे के सामने नहीं नाक रगड़ती। आई डोंट लाइक दिस, ये मेरा एटीट्यूड है और ये है। आज कितनी खुशी हुई आपको यहाँ आके? बहुत खुशी हुई, आई एम वेरी हैप्पी, थैंक यू। आपकी फ्रेंड राखी सावन जो कि अभी फातिमा है वो उम्रा करके आई है। किसने बोला मेरी फ्रेंड है? आपकी फ्रेंड रह चुकी है वो। अरे तुम्हारे कहने से थोड़ी होगा। उम्रा करके माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा किया, उम्रा किया अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाया उनका उम्रा। हमारे साथ एक शख्स और मौजूद है, क्या नाम है आपका? समीक्षा मात्रे। समीक्षा जी आज कौन से ब्रांड में आप थी यहाँ? मैं अपनी शहरी मैडम के यहाँ शहरी डिज़ाइनर के ब्रांड से मैंने मॉडल वॉक किया आज। या तो किस तरीके का आपको एक्सपीरियंस रहा यहाँ? नहीं, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, और यहाँ पे जैसे डॉली मैम है कोरियोग्राफर, उनसे मुझे बहुत कुछ सीखने मिला, और एक जैसे मुझे प्लेटफॉर्म मिला है, और वॉकिंग में जो कोरियोग्राफर उनका बहुत बेस्ट था, और मैं बोलते हैं ना मुझे बहुत अच्छा लगा है, और मैंने बहुत कुछ सीखा, और ये जो ग्रेस नेटवर्क है इसमें भी मैंने बहुत कुछ सीखा है, मुझे बहुत अच्छा इनका परफॉर्मेंस। भी आप कहीं कर चुके हो? हाँ मैंने किया है, जश्न टैलेंट में मैंने पेजेंट्री शो किया है, उसमें भी मैं टॉप 5 में विनर रही हूँ, और फिर AR वेंचर में भी मैंने रैंप वॉक किया है ब्रांड शो। लोगों को मैं यही कहना चाहूँगी, खास करके हाउसवाइफ को, कि हम अपनी ख्वाहिशें कहीं दबा के रख देते हैं, हाउसवाइफ होती है जैसे शादी के बाद कहीं हम पीछे चली जाती है, तो मैं वही कहूँगी कि अपनी ख्वाहिशों को निकालो, और जैसे हम हर एक लेडी ब्यूटी होती है, ब्यूटीफुल है, तो सब लेडीज़ की ख्वाहिश होती है कि हम कभी तो रैंप वॉक करें, तो मैं वही कहना चाहूँगी अगर ऐसे प्लेटफॉर्म मिले तो ज़रूर उसका आप यूज़ कीजिए, और अपनी ब्यूटी और टैलेंट शो को ज़रूर दिखाइए। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। हमारे साथ एक शख्स और हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम आसिया है। और क्या था आपका? मेरा फैशन शो था मेरे ब्रांड का, जो कि जिसका नाम है एथेनिक कलेक्शन। तो हमारा बहुत अच्छा फैशन शो हुआ, जो मॉडल्स हमारे जिसने पहने थे कपड़े उन्होंने बहुत अच्छे से प्रेजेंट किए, तो मुझे बहुत खुशी हुई, और मुझे ग्रेस नेटवर्क वालों से भी बहुत खुशी है कि उन लोग हमेशा हम सब के लिए ऐसी ऐसी चीज़ें। शॉप है? हाँ हमारी शॉप है, यहाँ पे हमारी शॉप है खड़क पे, डोंगरी खड़क डेकोर टावर शॉप नंबर 8 वहाँ पर। तो आप किसी को अगर एक ड्रेस चाहिए तो क्या आप उससे दे सकते हो? हाँ हम लोग कैसे आप उसको हमारे पास है ना, लोग आकर भी लेते हैं शॉप पे, और हमारे पास है ना ऑनलाइन सिस्टम भी है, तो ऑनलाइन पे भी हम डील करते हैं थ्रू व्हाट्सएप एंड इंस्टाग्राम। तो इंस्टा पे भी हमारी इंस्टा आईडी है एथेनिक कलेक्शन, और एथेनिक कलेक्शन में आप जाओगे इंस्टा आईडी पे तो हमारे फ़ोन नंबर भी उसमें हमारा ऐड है, तो आप थ्रू दैट हम लोग को व्हाट्सएप भी कर सकते हो, तो उसमें आपको जो भी पीसेज हमारे पसंद आते हैं तो वो हम उन तक पहुंचा सकते हैं। आज का आपका फर्स्ट शो था ये फैशन शो, तो कैसा आपको लगा? बहुत अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छे से हुआ, मुझे बहुत खुशी हुई, थोड़ा हम लोग नर्वस भी थे शुरू में, बट अल्हम्दुलिल्लाह बहुत, हाँ फर्स्ट टाइम था, फर्स्ट एक्सपीरियंस था, बट अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया। ग्रेस नेटवर्क में आज यहाँ पे आपने देखा होगा हमारे साथ तारिक खत्री साहब मौजूद है, ऐसे तो काफ़ी इन्होंने ऐसे एग्जीबिशन किए हैं जिसमें ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है, और इन्होंने बहुत अच्छे से किया है काम, लेकिन आज फर्स्ट जो क्या कहते हैं कैटवॉक फैशन शो रखा गया था उसमें लेडी के अलावा जेंट्स लोगों ने भी साथ में हिस्सा लिया, और आप देख सकते हैं कैमरे में कि सारे ये मौजूद हैं बॉय जिन्होंने कैटवॉक किया है। अब हम जानना चाहेंगे, सबसे पहले तो हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारे चैनल में, क्या कहेंगे आज का आपका फर्स्ट शो रहा है, कैसा रहा? जी थैंक यू वेरी मच सर, और अमजद भाई ने तो खुद ही देखा है माशाल्लाह, यहाँ पर हमारे साथ पिछले बार भी जुड़े थे काफ़ी बार, बहुत बियॉन्ड एक्सपेक्टेशंस था। मैं तो शुरू में जरा डॉली मैम से जरा, क्योंकि ये चीज़ में हम पहली बार हैं, तो डॉली मैम ने कहा नहीं आप घबराइए मत, इंशाल्लाह तो बहुत अच्छा होगा, और काफ़ी मेहनत हमने की है, 1.5 महीने से इस पर मेहनत कर रहे जा रहे हैं, और मेहनत का फल तो आप देख ही रहे माशाल्लाह, बहुत अच्छा रहा, लोगों का प्यार आया, बहुत इज्जत दी, और माशाल्लाह जितने लोग हमारे साथ स्पॉन्सर्स हमारे जितने जुड़े हुए हैं और जितने पार्टिसिपेंट्स हैं, उसके अलावा मेकअप आर्टिस्ट थे, हेयर स्टाइलिस्ट थे, मेहंदी आर्टिस्ट थे, सबने अल्हम्दुलिल्लाह हमारा काम बहुत सराहा है और बहुत खुश होके गए माशाल्लाह से, उनको ऐसा लगा कि उन लोगों को अब तक ऐसा मौका मिला नहीं था,
कि लोगों मतलब उनको बैक स्टेज ही रहते थे, पता ही नहीं होता था, आते थे और काम करके चले जाते थे। और कुछ ब्रांड ऐसे थे जो ऑनलाइन सेल कर रहे थे मगर उनको कुछ जानता ही नहीं था, मगर आज के बाद इंशाल्लाह ताला सबको जानेंगे इंशाल्लाह। आज ये फैशन शो का जो क्रेडिट है आप किसको देंगे? क्रेडिट तो सबको ही देंगे, डॉली मैम है, मैं भी हूँ, मैं भी क्रेडिट लूँगा थोड़ा, क्योंकि मैंने भी बहुत मेहनत की है। और मेरी वाइफ है सना खत्री, और मेरी साली है मेरी सिस्टर इन लॉ समर खत्री, और सॉरी समर शेख है वो मेरा बेटा है, और काफ़ी ग्रेस की जो टीम है माशाल्लाह सब ने बहुत मेहनत किया है। और हसीफ भाई मौली दीना, स्पेशल थैंक्स टू द डायरेक्टर यार, क्योंकि वो है तो फोटोग्राफर मगर उन्होंने जो कमाल का काम किया है इस शो को, जो डायरेक्ट किया है और सारी चीज़ें और सीक्वल्स की उन्होंने डॉली मैम ने मिल के, अमेजिंग जॉब, शायद ही मतलब कोई कर पाया इन लोगों ने किया है बहुत शॉर्ट टाइम के अंदर। हमारे साथ डॉली मैम भी मौजूद हैं, क्या कहेंगे आज जो कैटवॉक आपके बॉयों ने किया है? मेरे बॉयज़ आर ऑलवेज़ द बेस्ट, वो हमेशा बहुत अच्छा काम करते हैं, मुझे उसमें कोई डाउट नहीं है। वो इसलिए क्योंकि वो अपना पूरा विश्वास मुझ पे डाल देते हैं, उनको पता है कि ये हमें वॉक कराएंगी तो ये हमारे भले के लिए कराएंगी। पर इनसे कहीं ज़्यादा जो आज मैंने एक्सपीरियंस किया है वो ग्रेस नेटवर्क का विश्वास जो मेरे ऊपर रहा है। पिछले 3 महीने में हम लोगों की बहुत मीटिंग्स हुई हैं, एक भी बार कभी मुझे ऐसा नहीं लगा कि ये इनको डाउट होगा कि शो कैसा होगा। तो ब्लाइंडली मैं जो जो बोलती रही ये करते रहे, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता था कि बहुत फेथ इन्होंने मुझ पे डाला है। एंड आज मैं बहुत खुश हूँ कि वो फेथ मैं अपने शोल्डर्स पे लेके काफ़ी आगे तक जा चुकी हूँ। तो आई थिंक मैं सेलिब्रेट करूँगी, मी एंड माई बॉयज़ एंड द ग्रेस टीम, बिकॉज आई एम वेरी हैप्पी, वेरी एक्साइटेड कि हमारा शो बहुत अच्छा जा रहा है। एंड मेरे साथ यहाँ पे सर हमारे डिज़ाइनर भी हैं कुंदन फैब, जिन्होंने इन बॉयज़ के कपड़े आज डिज़ाइन किए हैं। मैं चाहूँगी कि ये भी कुछ बोलें कि इनका कैसा एक्सपीरियंस रहा है इस शो पे। सर कुंदन सर हमारे साथ मौजूद है, क्या कहेंगे सर आज आपने जो डिज़ाइन किया है इसके बारे में, लोगों ने तो पसंद किया, आप क्या कहेंगे? या श्योर, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लवली थैंक एस्पेशली, हाँ मैं थैंक कहना चाहूँगा शो ऑर्गेनाइज़र की पूरी टीम को, ग्रेस नेटवर्क को, एंड एस्पेशली जो मेरे मेंटर है दैट इज़ डॉली मैम, इन्होंने ही मुझे इस मॉडलिंग फील्ड में लाया है। वॉट एवर द एक्टिविटीज़ आई डू, जो भी मेरे अभी स्किल्स है वो सिर्फ डॉली मैम को क्रेडिट जाता है। तो मुझे बहुत गर्व फील होता है, मुझे बहुत प्राउड फील होता है, आई एम वेरी प्राउड दैट आई हैव अ जेन्यून एस्पायरिंग मेंटर लाइक डॉली मैम। और आज मैं इन सारे यंग जनरेशन को देख रहा हूँ, यंग यूथ को देख रहा हूँ कि वो इतने अच्छे से इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैप कर रहे हैं और आगे जा रहे हैं, तो आई एम वेरी हैप्पी फॉर इट। एंड एस्पेशली थैंक यू टू सर एंड मैम दैट दे जनरली गिव मी दिस अपॉर्चुनिटी, एंड मुझे ऐसा लगता है ऐसे ही मॉडलिंग को आगे लेकर जाना चाहिए, एंड डेफिनेटली वन डे दिस शो इज़ गोइंग टू हिट इन मुंबई। खत्री साहब एक सवाल मेरा आखिरी रह गया है कि माशाल्लाह आपका शो सक्सेस हो गया है, लोगों ने काफ़ी सराहा और पसंद किया है, आगे की क्या तैयारी? आगे की तैयारी तो अभी शो चल रहा है, आप जानते हैं चल रहा है, अभी भी लोग बैठे हैं, कोई जाना नहीं चाह रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। आगे की तैयारी ज़रूर रहेगी, ये 1.0 था, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, टीम अच्छी मिली, डिज़ाइनर्स अच्छे मिले, और स्पेशली कुंदन साहब के मैंने कपड़े देखा हूँ, एक होते कौशर प्रेत कौशर जो बड़े बड़े शोज़ में और पेरिस फैशन शो में देखा जाता था, वो हमने आज लाइव हमारे शो में देखा है, अमेजिंग कलेक्शन और मेकअप, अमेजिंग थीम, बहुत अच्छी थी। इंशाल्लाह 2.0 ज़रूर अनाउंस करेंगे, ज़रूर और जल्द करेंगे इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया, आगे भी हम और लोगों से बात करेंगे। हमारे साथ एक शख्स और मौजूद हैं जिनको आपने काफ़ी फैशन डिजाइनिंग में देखा होगा, ऐसा नहीं है, आज माशाल्लाह पॉपुलर हैं, इन्होंने काफ़ी अपने डिज़ाइन लोगों के पास पहुँचाए हैं और लोग इनको सराहते हैं, पसंद करते हैं। आज इन्होंने यहाँ पे फैशन शो जो रखा गया था फर्स्ट टाइम, इसमें काफ़ी ने खुशी हुई क्योंकि इनको भी सेलिब्रेट किया गया। इस बारे में सबसे पहले तो आपका स्वागत है, क्या कहेंगे आज आपका जो शो हुआ फैशन डिज़ाइनिंग का? जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बहुत खुशी है मुझे आज ये फैशन शो करके, फर्स्ट टाइम मैंने अपने कपड़ों को रैंप पे वॉक करते हुए दिखाया, दैट इज़ अ वेरी कम्प्लीटली डिफरेंट एक्सपीरियंस। क्या आपके ब्रांड का नाम? ग्लैमर एंड स्टाइल। आपकी शॉप है? मेरी शॉप है डोंगरी पे खोजा कब्रस्तान के सामने। जी आप किस तरीके की डिज़ाइन है लोगों को मुहैया कराते हो? देखिए मेरे यहाँ हम लोग कम से कम प्राइस में कोशिश करते हैं कि ब्रांडेड डिज़ाइनर आउटफिट्स करे। मेरे यहाँ शॉप में कम से कम 1000 से स्टार्टिंग रेंज है, और उसके बाद डिज़ाइनर कलेक्शन, कॉटन कलेक्शन, लॉन कलेक्शन, मतलब हर ओकेजन के लिए आपको सूट वहाँ पर मिलेंगे। कितनी खुशी हुई आपको ये फर्स्ट शो? आप पूछिए मत कितनी खुशी हो रही है, आई वॉज सो एक्साइटेड, मतलब काफ़ी दिन से मैं एक्साइटेड थी ये शो करने के लिए। सोचा था कि इस तरीके से इतना सक्सेस हो जाएगा? जी हाँ, मुझे ग्रेस पर, मॉडल्स पर, डॉली मैम पर, सब पर बहुत बहुत कॉन्फिडेंस था,
क्योंकि मैं पहले भी उनके साथ शूट कर चुकी हूँ, मेरे मॉडल शूट हमेशा हर महीने होते हैं, तो मुझे कॉन्फिडेंस था कि ये बहुत अच्छा होगा। लोगों को क्या संदेश देंगे आप अपनी तरफ? देखिए, एज अ वुमन एंटरप्रेनर मैं बोलूँगी, कभी हार नहीं मानना, ड्रीम एंड योर ड्रीम विल गेट फुलफिल्ड, दैट इज़ व्हाट। शुक्रिया बॉम्बे प्रेस से बात करने के लिए। हमारे साथ एक मोहतरमा और मौजूद हैं जिन्होंने एस जेड हबाया, जो काफ़ी फेमस है, मशहूर है, हम इनसे भी जानना चाहेंगे जो आज इन्होंने यहाँ पे फैशन शो में अपना कैटवॉक किया उसके बारे में क्या कहेंगे आज आप? सर देखो, ये हम पहले बहुत, हमारा ये स्मॉल बिजनेस था, बट मेरे हस्बैंड की सपोर्ट से अल्हम्दुलिल्लाह उनके वो हमेशा मेरा साथ दिए, तो आज भी ये मकाम पे आ सकी हूँ। और हमने शॉप भी लिए है फैशन शो में, कैसा आने, मुझे बहुत नर्वसनेस फील हो रही थी, बट मेरे हस्बैंड ने मुझे समझाया कि नहीं, अगर आप ये फील्ड में हो, आप एक बिजनेस वूमेन हो, तो आपको हर प्लेटफॉर्म पे चढ़ना है। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत अच्छा लगा, और मुझे जो न्यूज़ वाले यूट्यूबर लोग जो इनक्रेज कर रहे हैं, मुझे बहुत खुशी हो रही है। कैसा एक्सपीरियंस रहा आज का फर्स्ट शो का? बहुत अच्छा, काफ़ी लोग मेरा कॉन्टैक्ट नंबर लिए, काफ़ी लोग ने मेरा एड्रेस भी मांगे हैं। फ़ोन आया हम लोग को सऊदी से, फ़ोन आया है, ऑनलाइन बात हुई है सऊदी, हमारा नंबर लिया वो लोग ने, ये देखकर हम लोग का फैशन शो में जो हमारे बुरके उतरे थे। आपको किसी को हबाया चाहिए तो किस तरीके से आप जो है डिस्ट्रीब्यूट कर? वो हमको कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, और प्लस हमारा इंस्टा आईडी भी है sz._abaya, और हमारी शॉप है 3rd सांकली स्ट्रीट नेक्स्ट टू A1 चाइनीज, हमारी शॉप का नाम है sz abaya। बाइकल्ला वेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। बॉम्बे प्रेस को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए तेज ताज़ा खबरों के लिए।